أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد والصلاة والسلام وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع सलावत पढ़े मोहम्मद वाले अज़ीज़ान गिरामी सामने मोहतरम अल्लाह ताला ने सैयद शहदा अलैहिस्सलाम आज सिलसिले मजालिस की तीसरी गुफ्तगू है और मुसलसल जिस उनवान के तहत हमारी गुफ्तगू जारी है वो उनवान इमाम ज़माना अज्जल अल्लाह तआला फरज शरीफ की खुसूसियात दुरूद पढ़े बुलंद आवाज से इमाम वक्त की खुसूसियात मुसलसल बयान करते आ रहे हैं। कल हमने जिस खुसूसियत की तरफ तवज्जो दिलाई थी वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का हई और ज़िंदा होना और रिवायत भी आपकी खिदमत में पेश की थी दलील के तौर पर जिसमें मासूम ने इरशाद फरमाया था इन्नल हुज्जता ला तकूमु लिल्लाहि अला खल्क़िही इल्ला बिइमामिन हय्यिन युरफ़ बतहकीक खुदा ने खल्क़े खुदा पर हुज्जत तमाम नहीं की जब तक कि इमाम हय को लोगों के दरमियान में नहीं पहचानवा दिया जब तक उसकी शनाख्त नहीं करवा दी। यानी हर ज़माने में आप मुख्तलिफ ज़माने उठाकर देखिए तारीख इमामों को उठाकर देखिए इमाम अली से लेकर और आज तक इमाम ज़माने के दौर तक ज़माने ग़ैबत तक इमाम हय मौजूद रहा। यानी अगर दूसरे अल्फाज में कहा जाए यानी एक हादी खुदा की जानिब से ज़िंदा हादी हर ज़माने में मौजूद रहा और आजकल के ज़माने में भी अगर देखा जाए गौर किया जाए तो इमाम हुज्जत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ात मौजूद है और हई है ज़िंदा है। ये सबसे बड़ी खसूसियत है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की। कल इस पर किसी हद तक बात की गई थी आज अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। आज आपकी खिदमत में चंद दलाइल पेश करने हैं इमाम हुज्जत के ज़िंदा होने पर। क्या दलील है आपके ऊपर
आपके पास क्या दलील है कि इमाम मासूम जिंदा है, इमाम ज़माना हय हैं, जिंदा हैं, वजूद रखते हैं, फिज़िकली मौजूद, हमें नज़र नहीं आते लेकिन मौजूद हैं, इस पर क्या दलाइल हैं, क्या प्रूफ हैं इसके ऊपर? तो बहुत सारे दलाइल बयान किए गए। दलाइल अकली भी मौजूद हैं, दलाइल नकली भी मौजूद हैं। दलाइल अकली यानी अक्ल के एतबार से भी अगर देखा जाए, लॉजिकली एतबार से भी देखा जाए, तो इमाम ज़माना ज़िंदा है। कैसे? देखिए, अकली एतबार से मैं बयान करना चाह रहा हूँ। अकली एतबार से अगर देखा जाए इमाम ज़माना की ज़ात को, तो हमें कुरान की तरफ रुजू करना होगा। कुरान की एक मशहूर मारूफ आयत है, खुदा इरशाद फरमाता है, वमा खलक्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून ऐ लियारिफून। बहुत मारूफ आयत है कि मैंने जिन और इंसान को खल्क नहीं किया मगर ये कि अपनी इबादत के लिए। तो अज़ीज़ाने गिरामी, इबादत खुदा की कब होगी? खुदा की इबादत उस वक्त मुमकिन है जब खुदा कह रहा है कि मैंने जिन और इंसानों को खल्क नहीं किया मगर अपनी इबादत के लिए, अपनी मारिफत के लिए। तो ये मारिफत और इबादत खुदा की कब होगी? यानी कोई ऐसा ज़मीन पर होना चाहिए जो कमा हक्का हो, मुकम्मल तौर से खुदा की बंदगी कर सके। और खुदा की बंदगी करने वाला जो इंसान, हर ज़माने में, मैंने अर्ज़ किया, हर ज़माने में खुदा की इबादत होती रही, चाहे वो इमाम अली का ज़माना हो, इमाम हसन का ज़माना हो, और आज तक इमाम ज़माना का जो ज़माना गैबत है आजकल के दौर में भी, एक इंसान कामिल होना चाहिए कि जो खुदा की मुकम्मल बंदगी और इबादत कर सके, ताकि खुदा जो बयान करना चाह रहा है उसका हक अदा हो जाए और खुदा की हिकमत पर भी हर्फ ना आए। खुदा हकीम है, खुदा क्या चाहता है? इबादत हो। तो ज़ानिगिरामी, जब तक इंसान कामिल, एक हुज्जत खुदा, एक जिंदा इमाम रूए ज़मीन पर मौजूद नहीं होगा, तो खुदा की इबादत नहीं हो सकती है। तो बस मानना पड़ेगा कि आजकल के दौर में भी इंसान कामिल मौजूद है, हुज्जत खुदा मौजूद है, जिंदा है, फिजिकली आपके दरमियान चलता फिरता है, बाजारों में आता है, आपके घर में आता है, सब कुछ देखता है। ये दलील है कि एक इमाम हय मौजूद है। ये अकली एतबार से, लॉजिकली एतबार से दलील है कि एक को होना चाहिए। और ज़मीन कभी भी हुज्जत खुदा से खाली रह ही नहीं सकती। रिवायत मौजूद, ये भी एक और दलील, ये अब नकली दलीलें शुरू हो गई। रिवायत कहती है, अगर ज़मीन पर, इस कुर्रे अर्श पर हुज्जत खुदा, खुदा की जानिब से कोई हादी मौजूद ना हो, तो ये ज़मीन फट जाए और तमाम जो ज़मीन पर चल फिर रहे हैं, तमाम मखलूकात खुदा ज़मीन के अंदर चली जाए। ये खुद एक और दलील है इमाम ज़माना की ज़िंदगी के ऊपर, उनके ज़िंदा होने पर। तो ज़ानिगिरामी, बहुत सारी दलील, ज़ियारत जामे को आप देखें, ज़ियारत जामे में भी बयान किया गया, जब आप खिताब करते हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम को, तो क्या कहते हैं? बिकुम फतहल्लाह व बिकुम यख्तिम व बिकुम युनज़िलुल ग़ैथ व बिकुम युमसिकुस समाअ अन तक़अ अलल अर्ज़ इल्ला बिइज़्निह। ये ज़ियारत जामे के जुमले हैं, ज़ियारत जामे पढ़ा कीजिए। फ़ज़ाइल आले मुहम्मद इसमें पोशीदा है, यानी समंदर अगर फ़ज़ाइल का अहले बैत के लिए कोई देखना चाहता है तो वह ज़ियारत जामे को देख ले और इसके रोज़ाना तिलावत किया करे। खुदा में शब जुमा है, एक बात इमाम की जानिब से आपकी खिदमत में पेश कर दी जाए। इमाम फरमाते हैं कि ज़ियारत जामिया को पढ़ना शुरू करो, आदत डालो ज़ियारत जामिया पढ़ने की। कोई भी हाजत है, जुमे का दिन, कल जुमा है, जुमे के दिन में मखसूसन ज़ियारत जामिया की तिलावत करो। और ख़ुद इमाम ज़माना का हमारा मौजूद चल रहा है, इमाम ज़माना की जानिब से भी ये तौसीए किए गए हैं, ये वादो नसीहत की गई है कि आशूरा आशूरा आशूरा, नाफिला नाफिला नाफिला, उसके बाद कहा जामिया जामिया जामिया, तीन मरतबा इमाम ने कहा है। मकसद क्या है इसका? इसका मकसद है कि इमाम की निगाह में ये तीन चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं। इमाम ज़माना चाहते हैं चीज़ों को अंजाम दिया जाए। नाफिला से मुराद क्या? नमाज तहज्जुद, नमाज शब, नमाज लैला, रात की नमाज, उठकर जो आप नमाज पढ़ते हैं नमाज तहज्जुद,
इमाम ने कहा इसको अदा करो, अपनी ज़िंदगी में लेकर आओ। उसके बाद मौला कहते हैं इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के आशूरा की तिलावत किया करो, ज़ियारत आशूरा पर दस्तूर बनाओ, रोज़ाना तिलावत करो उसकी, कोई मुश्किल आए कोई परेशानी आए ज़ियारत आशूरा का अमल करो, 10 दिन की नियत करके अमल करो, तुम्हारी मुश्किल हल हो जाएगी। उसके बाद आखिरी जो वसीयत की इमाम ज़माना ने, जो मुलाकातें हुई इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से, कहा कि ज़ियारत जामिया को अपनी ज़िंदगी में लेकर आओ, ज़ियारत जामिया की तिलावत करो, क्योंकि इसमें अहले बैत के फ़ज़ाइल मौजूद हैं। जहाँ भी जाए ज़ियारत पर जा रहे हैं, ज़ियारत पर भी सवाल किया जाता है, करबला जाते हैं, सामरा जाते हैं, काज़मैन वगैरह मासूमीन अलैहिस्सलाम की कबूर पर जाते हैं, उनके हरम में जाते हैं, तो सवाल करते हैं मौलाना क्या चीज़ पढ़ी जाए, कौन सी ज़ियारत पढ़ी जाए, कौन सी दुआ पढ़ी जाए। तो ये बेहतरीन ज़ियारत है, जिस इमाम की बारगाह में आप जा रहे हैं वहाँ पर जाकर ज़ियारत जामे की तिलावत कीजिए, चाहे मौला अमीर का हरम हो, चाहे वो काज़मैन हो, चाहे वो सामरा हो। तो इसी ज़ियारत जामे में जब ख़िताब किया जाता है, क्या ख़िताब किया जाता है, वबिकुम फतहल्लाह, अहले बैत आपके ज़रिए से तमाम लोगों को खुदा दुनिया में लेकर आया, आप वसीला बने कि आप जो मौजूद हैं यहाँ पर, ये सदका है इमाम ज़माना का। उसके बाद कहते हैं वबिकुम यफ्तिम, और आपके ज़रिए से इन तमाम लोगों को उठाया जाएगा, यानी क्या मकसद, यानी जब हुज्जत खुदा ज़मीन से चली जाएगी तो दुनिया फना हो जाएगी, आप भी चले जाएंगे, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद कहते हैं वबिकुम युनज़्ज़िलुल ग़ैस, ये दलील पेश कर रहा हूँ इमाम ज़माना मौजूद हैं, जिंदा हैं, जिनकी वजह से कायनात मौजूद है, आपके ज़रिए से खुदा बारिश को नाजिल करता है। उसके बाद कहते हैं वबिकुम युमसिकुस समाअ अन तक़अ अलल अर्ज़ इल्ला बिइज़्निह, यानी आप ही का वसीला है, ये हर दौर में खिताब है हुज्जत खुदा से। आजकल के दौर में जो खिताब हम करते हैं वो इमाम ज़माना को करते हैं, क्योंकि इमाम ज़माना मौजूद है, क्या इमाम ज़माना आपकी ज़ात है जिसकी वजह से, जिसके सदक़े में खुदा ने आसमान को ज़मीन पर आने से रोका हुआ है। अगर आपकी ज़ात ना हो तो यकीन कीजिए आसमान ज़मीन पर आ जाएगा। हुज्जत खुदा की मिसाल बिल्कुल इसी तरीके से है जिस तरीके से एक इमारत को आप बनाते हैं। इमारत कैसे बनती है, जब तक सुतून तैयार ना हो जाए, पिलर तैयार ना हो जाए जिस पर इमारत टिकी हुई होती है, गौर कीजिएगा, जब तक इमारत टिकी हुई होती है, जिन सुतूनों पर टिकी हुई होती है, अगर उन सुतूनों को आप हटा दें इमारत गिर जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से इस कायनात का जो बेहतरीन सुतून है वो इमाम ज़माना की ज़ात है। इमाम ज़माना अगर ना हो, इमाम ज़माना का वजूद ना हो, सबसे बड़ा सुतून इस कायनात का, वक्त का इमाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है। तो जाने गिरानी इमाम है, ये इमाम जिंदा है। बहुत सारी और दीगर मिसाल जितनी भी चीज़ें आपको नसीब हो रही हैं, यही वजह है, मैंने कल भी अर्ज़ किया था वास्ता फैज़, वास्ता फैज़ इसी वजह से इमाम को कहा जाता है। वास्ता फैज़ जिंदा है, जो नेमत का जरियान है, जो नेमत जारी है, जो फ्यूज़ात जारी है खुदा की जानिब से, जो शख्सियत उन फ्यूज़ात को अपने ऊपर ले रही है वो इमाम ज़माना ही तो है, जिनकी वजह से आप तक तमाम फ्यूज़ात पहुँच रहे हैं, तमाम चीज़ें पहुँच रही हैं, जितनी बरकतें हैं, आपको रिस्क मिलता है इमाम की बरकत से, आपको औलाद मिलती है इमाम की बरकत से, आप जिंदा हैं इमाम की बरकत से, आपके पास घर मौजूद है इमाम की बरकत से, हत्ता कि आप जो सांस ले रहे हैं इमाम मासूम इमाम ज़माना की बरकत से सांस ले रहे हैं। इससे बढ़कर अर्ज कर दूं, ये जो मजलिस में आप चलकर आए हैं, जब तक इमाम ज़माना की इजाज़त ना मिल जाए आप घर से उठकर यहाँ पर नहीं आ सकते, इमाम ज़माना ही की इजाज़त है। जो हुज्जत खुदा है, खुदा ने इख्तियार दिया है इमाम ज़माना की ज़ात को, आप घर से उठकर जो आते हैं, ये जो इरादा आपके अंदर आता है, आपके दिल में इरादा ठाते मारता है कि मैं उठकर हुसैन की मजलिस में जाऊं, ये कौन डालता है, किसकी बरकत से आता है, इमाम ज़माना की बरकत से। इमाम ज़माना अगर वजूद ना रखते हो तो आप फना हो जाएंगे, मैं फना हो जाऊंगा। इमाम ज़माना को दर कीजिए, इमाम से तवस्सुल कीजिए, मैंने कल भी अर्ज़ किया था, शब जुमा है, आज ख़ास तौर से घर पर जाके रात को किसी भी हिस्से में इमाम से तवस्सुल कीजिए, और ख़ुसूसन इमाम के ज़ुहूर की दुआ मांगिए, इमाम के ज़ुहूर की दुआ।
और रफा यही कहते हैं कि जब अपने हाथों को दुआ के लिए बुलंद करो, चाहते हो तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए, मुस्तजाब हो, खुदा की बारगाह में तुम्हारी दुआ पहुँचे, तो सबसे पहले वक्त के ईमान के लिए अपने हाथों को दुआ के लिए बुलंद करना, उसके बाद तुम्हारी दुआ मुस्तजाब हो जाएगी। और जितनी चीज़ें हैं, अब मैं एक रिवायत आपकी खिदमत अर्ज करूँगा, उससे अहमियत इमाम ज़माना का अंदाज़ा होगा कि वजूद बाबरकत है, वजूद नाजनीन इमाम ज़माना क्या मकाम रखता है सूरह ज़मीन के ऊपर। एक रिवायत है इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम इमाम फरमाते हैं इन्नल्लाहा لا يكفى بمن يصلي من شيعتنا ام من لا يزكي من شيعتنا لو اجمعوا على ترك الصلاه لهلكوا اللہ اور کی جگہ روایت کے اوپر میں ایک مطلب پہنچانا چاہ رہا ہوں امام معصوم کا زندہ وجود میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کا مقام کیا ہے امام فرماتے ہیں چھٹے امام کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ان شیعوں کے ذریعے سے کہ جو نماز گزار ہیں جو نماز پڑھتے ہیں उनके ज़रिए से बलाओं को दूर करके रखा हुआ है किन लोगों से कि जो नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, यानी जो नमाज़ पढ़ने वाले शिया हैं, हमारे चाहने वाले हैं, हमारे मुहिब हैं, जो नमाज़ पढ़ते हैं उनकी वजह से, उनकी बरकत से, उनके नमाज पढ़ने की वजह से उन लोगों पर से बलाओं को दूर करके रखा हुआ है कि जो नमाज़ नहीं पढ़ते। गौर कीजिए आप। उसके बाद इमाम कहते हैं वह इन्नल्लाह لَيَدْفَعُ بِمَنْ يُزَكِّي مِنْ شِيَعَتِنَا أَمْ مَنْ لَا يُزَكِّي مِنْ شِيَعَتِنَا لَوْ أَجْمَعُ عَلَىٰ تَرْكِ الزَّكَاةِ لَهْلَكُ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں چھٹے امام کہ اگر اس روئے زمین کے اوپر بعض ہمارے چاہنے والے بعض ہمارے شیعہ اگر زکاة کو دینا چھوڑ دیں تو ان کی وجہ سے اگر یہ زکاة نہ دیں اور وہ لوگ جو پہلے ہی سے زکاة نہیں دیتے ہیں اگر یہ تمام لوگ اس چیز پر جمع ہو جائیں زکاة کو ترک کر دیں تو عذاب نازل ہو جائے گا یہ خدا نے جو عذاب کو جو بلاؤں کو جو مصیبتوں کو روکا ہوا ہے یہ ان شیعوں کی وجہ سے روکا ہوا ہے کہ جو زکاة کو ادا کرتے ہیں ان کی برکت سے تو ذہن گرامی بعض شیعہ ہیں روح زمین کے اوپر کہ جو صالحان خدا ہیں جو خدا کے نیک بنتے ہیں خدا نے ان کی وجہ سے عذاب کو ٹالا ہوا ہے ان لوگوں کے اوپر سے کہ جو نہ نماز پڑھتے ہیں نہ زکاة ادا کرتے ہیں نہ خوب دیتے ہیں یہ ان کی برکت کا نتیجہ ہے ایک اور مثال دیکھیے جناب زکریا بن آدم القمی قم میں ان کا مزار ہے جو لوگ قم زیارت کرنے گئے ہیں حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے روضے کے پیچھے ایک قبرستان ہے شیخان کے نام سے وہاں پر دو تین زیارتیں ہیں تو وہاں پر یہ دفن ہے زکریا بن آدم قمی بڑا مقام تھا ان کا بہت بڑے انسان ان کی اہمیت کا اگر اندازہ لگانا ہے تو یہ وہ شخصیت امام رضا علیہ السلام کے خاص اصحاب میں سے ہیں عظیم المرتبہ اصحاب میں سے ان کا نام آتا ہے اور یہ وہ شخصیت ہے زکریا بن آدم قمی کہتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کے ساتھ ان کی ایک رات میں یعنی پوری رات اتنی ساری باتیں ہوئی ایک گفتگو ہوئی ہے حتیٰ کہ شخصیت کا اندازہ لگائیے گا معصوم سامنے بیٹھا ہو ان کے سامنے کوئی شخصیت بیٹھی ہو اور معصوم ان کو ٹائم دے رہے ہو تو خود یہ بڑا مقام ہے یہ بہت بڑا مقام ہے یہ جو شخص بیٹھا ہے تو معمولی انسان نہیں ہے معصوم آٹھویں سرکار ٹائم دے رہے ہیں حتیٰ کہ یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام رضا جب باتیں کر رہے تھے ان کے ساتھ تو پوری رات باتیں کرتے رہے حتیٰ کہ امام نے اس رات میں نافلہ نماز ادا نہیں کی تھی اتنی اہم گفتگو چل رہی تھی زکریا بن آدم قمی کے ساتھ یہ مقام ہے ان کا قم جائیں ان کے مزار پر جا کر دعائیں مانگے ان کا وسیلہ دیں پروردگار دعا قبول کرتے کہتے ہیں بڑی شخصیت کے حامل تھے اب یہی شخصیت ایک مرتبہ مولا امام رضا سے کہتے ہیں مولا میں چاہتا ہوں قم کو ترک کر کے چلا جاؤں میں قم کو چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں کیونکہ قم میں لوگ زیادہ یعنی میں دیکھ رہا ہوں اچھے لوگ مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں اس زمانے میں دور بڑا عجیب تھا جو ان کا دور تھا امام رضا کا دور تو میرے مولا نے ایک عجیب جملہ کہا کہا کہ تمہیں قم میں رہنا ہے لازمی ہے تم پر تم قم میں رہو کہا مولا کیوں میں جانا چاہتا ہوں مولا نے کہا تمہاری وجہ سے خدا نے
लोगों पर जो अदाब आने वाला उसको टाला हुआ है, तुम अगर चले गए अदाब नादिल हो जाएगा। लिहाजा जरूरी यह है कि तुम यहां पर बाकी रहो। अल्लाह अकबर। तज़ाए गिरामी, तमाम बातें करने का मकसद क्या था? तो एक शिया, चंद शिया अगर ज़कात को अदा करें, खुब्स को अदा करें, नमाज गुजार हो, नमाज पढ़ने वाले हो, उनके जरिए से खुदा उन लोगों पर से अदाब को बरतरफ कर देता है, अदाब को दूर कर देता है। अब जो खुद वली खुदा हो, जो खुदा की हुज्जत जमीन के ऊपर, जो खुद नमाज हो, नमाज को कायम करने वाला हो, तो उसके जरिए तो खुदा वालों को दूर कैसे ना करेगा? मुमकिन नहीं है। तो वजूद इमाम ज़माना को समझने की कोशिश कीजिए। इमाम ज़माना की दाद बहुत बड़ी ज़ात का नाम है। तो आज अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। आज एक और खसूसियत की तरफ इशारा करना है, एक और खसूसियत जो वक्त इमाम की, वैसे बहुत सारी खसूसियत है, ये मैं अपने एतबार से फहरिस्त बना के लाया हूँ। दो चार दिनों में जो मैं बयान करूँगा आपकी खिदमत में, वो बयान कर रहा हूँ। एक और खसूसियत यह है इमाम हुज्जत की कि इमाम हुज्जत रहमत वासिया है, इनकी रहमत बहुत वसअत रखती है, गुंजाइश रखती है। एक दुरूद पढ़े जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद। और खुद ज़ियारत आले यासीन में इस सिफत की तरफ इशारा किया गया। ज़ियारत आले यासीन में मुसलसल कहता आ रहा हूँ, बहुत मुकद्दस ज़ियारत है। इमाम हुज्जत के दिल को खुश करने की जो सबसे बड़ी इबादत है, सबसे बड़ा अमल है, वो ज़ियारत आले यासीन। और इमाम ने कहा है पढ़ा करो उसको। इसी ज़ियारत में, इसी रहमत वासिया की तरफ, इस गुंजाइश रखने वाली रहमत की तरफ, वसअत रखने वाली रहमत की तरफ इशारा किया गया। इसमें मिलता है ज़ियारत में जब आप सलाम पेश करते हैं इमाम वक्त को, अस्सलामु अलैका अय्युहल अलमुल मंसूर वल इल्मुल मसबूब वल गौस व रहमतुल वासिआ वअदन गैर मक्तूब। अल्लाहु अकबर। इसमें इसी सिफत की तरफ इशारा किया जा रहा है कि सलाम आप पर है कि जिसका, जिसको खुदा ने निशानी के तौर पर नस्ब किया, यानी खुदा ने जिसको इमाम बनाया उस पर सलाम हो हमारा। वल इल्मुल मसबूब, हमारा सलाम हो उस पर कि जिसका इल्म लबरेज है, यानी इतना ज्यादा है उसका इल्म के लबरेज ठाटे मार रहा है, समंदर की मानंद है। समंदर से आप जितना लेते जाएंगे समंदर में कोई कमी वाक्य नहीं होगी। ये इमाम ज़माना की ज़ात है, इसी वजह से यहां पर कहा जा रहा है वल इल्मुल मसबूब, यानी जिसका इल्म लबरेज है। उसके बाद इशारा हो वल गौस व रहमतुल वासिआ, और ऐ वो कि जिसकी रहमत बहुत ज़्यादा है, वो हद रखती है, जो फरियाद रस है लोगों की, फरियाद पर उसकी मदद करने पहुंचता है। और ये खुदा का वो वादा है कि तखल्लुफ नापदीर है, इसमें खिलाफ नहीं हो सकता। जो खुदा ने वादा किया है कि हम सालिहान खुदा को ज़मीन का वारिस बनाएंगे, तो इमाम ज़माने की ज़ात वही सालिहान खुदा ही की है। खुदा के नेक बंदों में इमाम ज़माना का नाम आता है। जब ज़मीन पर आएंगे, जब ज़ुहूर फरमाएंगे, तो दुनिया को अदल और इंसाफ से पुर कर देंगे। तो यहाँ पर इशारा हुआ रहमत वासिआ, कि रहमत बहुत बड़ी है इमाम ज़माना की, और रऊफ़ इमाम है। अब यहाँ पर जब ये बात आती है तो बाद जवानों के जहन में ये है, सवालात हुए हैं। बाद जवान आते हैं, कहते हैं कि मौलाना ये जो कहा जाता है कि इमाम ज़माना आएंगे हमारी गर्दनें उड़ा देंगे, जो गुनाहगार होंगे वो तो नुकसान में होंगे, तो हम इमाम के ज़ुहूर की दुआ क्यों करें? ये गलत फहमी है। ये जो बयान किया गया है इसको गलत बयान किया गया है। पहले इमाम की उस सिफत को बयान करना चाहिए जो रअफत और रहमत रखने वाली सिफत है, उसको बयान करना चाहिए ताकि जवान नज़दीक आए। ये गलत बयान किया गया है, ये गलत फहमी है, इसको दूर कीजिए। खुसूसन जवानों से खिताब कर रहा हूँ मैं, अपने हमसिन जवानों से, इस गलत फहमी को दूर कीजिए। इमाम ज़माना की मेहरबानी को समझने की कोशिश कीजिए। इमाम ज़माना मेहरबान इमाम है। रिवायत में इमाम को रफीक के तौर पर याद किया गया है, दोस्त की मानंद है।
एक वालिद शफीक की तरह, जिस तरह एक वालिद शफकत दिखाता है इमाम जमानों पर, इससे ताबीर किया गया है। ये जो गलत फहमी आती है जवानों के जहनों में कि हम जहूर की दुआ क्यों करें, इमाम जमाना आएंगे हमें उड़ा देंगे, गर्दन उड़ा देंगे हमारी, तो जहूर का हमें क्या फ़ायदा होगा, हम दुआ नहीं मांगेंगे। अल्लाह ने गिरामी तवज्जो कीजिए, इमाम की सिफत की तरफ गौर कीजिए। इमाम रहमत वासिया है। अभी आपके सामने मैंने ज़ियारत आले यासीन से टुकड़ा बयान किया, उसमें यही बयान हो रहा है कि इमाम रहमत वासिया है, इमाम की रहमत बहुत ज़्यादा है। भाई खुदा भी तो रहमान और रहीम है, और ये इमाम ज़माने की ज़ात तमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम की ज़बात मुक़द्दसा ये सलाहियत रखती है कि जिस तरीके से खुदा रहमत रखता है, खुदा रहमान है, रहीम है, बतौर अतम अगर इस रहमत का, इस रहमानियत परवरदिगार का कोई मिसदाक बन सकता है तो इमाम ज़माने की ज़ात है, इमाम ज़माना है। तो गलत फहमी को दूर कीजिए, खुद रहमत क्या है ये भी वाज़ेह होना चाहिए ताकि इमाम ज़माने की रहमत हमें समझ में आए। खुद रहमत किसे कहते हैं, रहमत वास्ते आपकी खिदमत में बयान कर दिया, खुद रहमत किसे कहा जाता है। तो रिवायत को अगर देखा जाए तो रिवायत में मिलता है कि ख़त्मी मर्तबत अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अकरम इरशाद फरमाते हैं कि खुदा के नज़दीक रहमत के 100 जुज हैं। कितने? 100 जुज। ये बहुत बड़ी रिवायत है, और तो सुनिएगा, खुदा के रहमत के 100 जुज हैं। जहन में रखिएगा कहाँ पहुँचना है हमें, इमाम ज़माने की रहमत को वादे करना है कि इमाम ज़माना की रहमत क्या होगी, उनकी मेहरबानी क्या होगी, उनकी रअफत व मेहरबानी का मकाम क्या होगा, ज़रा इसको देखिएगा, उसके बाद इंशाल्लाह समझ में आएगी बात। तो रसूल अकरम बयान करते हैं कि खुदा की रहमत के 100 जुज हैं। ये जो आप दुनिया में देखते हैं, एक जुज खुदा ने इस दुनिया में बांटा है, दुनिया वालों को अता किया, एक जुज 100 जुज रहमत के, और एक जुज को खुदा ने इस आलम में जाहिर किया है। किस सूरत में, कैसे? ये जब मोहब्बत देखते हैं, हत्ता के हैवानों के अंदर जो मोहब्बत आप देखते हैं, एक जानवर की अपने बच्चे के साथ जो मोहब्बत है, ये खुदा की उस एक रहमत का नतीजा है, एक जुज का नतीजा है। ये जो माँ की मोहब्बत आप बच्चों से देखते हैं, ये जो मांग तक जागती है, ये खुद माँ जो अपने बच्चे के लिए रातों रात जाकर उसे शीर देती है, उसे दूध पिलाती है, उसका ख्याल रखती है, ये उस एक रहमत का नतीजा है। भाई भाई से जो मोहब्बत करता है, ये उसकी एक रहमत का नतीजा। बहन भाई से मोहब्बत करती है या भाई बहन से मोहब्बत करता है, ये उसी एक रहमत का नतीजा है जो खुदा ने आसमान से और ज़मीन के दरमियान में इस रहमत को रखा हुआ है। आप दुनिया में इसको देखते हैं, और बाकी जो जुद है उसका क्या करेगा खुदा? तो पैगंबर फरमाते हैं वो बाकी जो 99 जुद है रहमत के, वो कयामत के दिन जाहिर करेगा खुदा। और किसके जरिए जाहिर करेगा? वो रहमतुल आलमीन अहमद मुस्तफ़ा के जरिए। दुरूद पढ़े मोहम्मद। मेराज पर जब रसूल अकरम गए थे, अबुल कासिम जो रसूल अल्लाह को कहा जाता है, अबुल कासिम या अबुल कासिम, इसकी एक जो इल्लत और एक जो रीज़न इसका बयान किया गया, वो मेराज पर जब रसूल अकरम गए थे, मेराज पर पहुंचे तो खुदा ने खिताब करके इसी रहमत की तरफ इशारा किया था। ये जो जाहिर होगी रहमत, किसके जरिए से जाहिर होगी, जरा तवज्जो कीजिएगा। खुदा खिताब करता है पैगंबर अकरम को, इन्नका तक्सीमुर रहमता बैन इबादी यौमल क़ियामा। ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी ज़ात वो ज़ात है कयामत के दिन जो मैं रहमत को तकसीम करूँगा अपने बंदों के दरमियान, वो आपके वसीले से तकसीम करूँगा। अज़ीज़ाने गिरामी तवज्जो कीजिए, यह रहमत लिल आलमीन का मकाम समझा रहा खुदा। एक जो दुनिया को अता किया है उसका ये आलम है, माँ की मोहब्बत का आप सानी नहीं ला सकते हैं जो माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, उस एक रहमत का ये आलम है। अब जो खुद ज़ात जो हस्ती खुदा की तमाम रहमत का मिसदाक हो, इमाम ज़माने के साथ उसकी मोहब्बत और मेहरबानी का मकाम क्या होगा, ये मैं और आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। तो ये कैसे गलत फहमी आती है कि इमाम ज़माना आकर गर्दनें उड़ाएंगे,
जो खुदा की तमाम रहमतों का मिसदार हो, जहाँ पर खुदा अपने इरादे को उतारता हो, अपनी हर चीज़ को खुदा उतारता हो, वो इमाम ज़माना का वजूद है, इमाम का कल्ब है। तो गौर कीजिए आप, तो ये रहमत कयामत के दिन जाहिर करेगा खुदा। किसके जरिए जाहिर करेगा? रसूल खुदा के जरिए से। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, रसूल अकरम को खुद क्या बनाकर भेजा? रहमत बनाकर भेजा। वह मरसल्ला का अल्लाह रहमत लिल आलमीन, ये हदीस, हमने आपको नहीं भेजा मगर रहमत बनाकर आलमीन के लिए। एक और रिवायत सुनते चले जाइए, बेटा होता नेमत और बेटी होती है रहमत, यानी जिसके घर बेटी है बेटी उसके लिए रहमत। गौर कीजिएगा, बेटी उस शख्स के लिए रहमत, मेरे घर बेटी, बेटी मेरे लिए रहमत। अब जो खुद रहमत लिल आलमीन हो, उसके घर में अगर बेटी हो, वो बेटी रहमत की रहमत। तो इमाम ज़माना उस ज़ात को कहते हैं कि जो खुद अपने बाप की रहमत है, जो रहमत लिल आलमीन के लिए रहमत बनकर आई। जनाब सैयदा किदार महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की ज़ात उस फातिमा की औलाद में से है, तो उसकी रहमत का क्या कहना होगा? तो गौर कीजिए, तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम रहमत वासिया है। और ग़ैबत के ज़माने में जो आप जो कम कास्ती देखते हैं, जो नकायद देखते हैं, नज़र नहीं आती आपको, ये खुद आपके और मेरे आमाल का नतीजा है। ग़ैबत के ज़माने में इमाम जो हमसे दूर है, वो क्यों दूर है? रिवायत यही कहती है कि परवरदिगार जब अपने बंदों पर गज़बनाक होता है तो इमाम मासूम को उनसे दूर कर देता है। इमाम मासूम दूर हो जाते हैं। इमाम ज़माना जो ग़ैबत में गए हैं, ये नतीजे किस बात का है? गदीर खुम के मैदान में जब रसूल अकरम ने अली की विलायत का ऐलान किया था, अगर उस विलायत पर लोग पायबंद रहते, उसको मान लेते, तमाम लोग इकट्ठे हो जाते, जमा हो जाते अली की विलायत के ऊपर, तो आज ये नौबत नहीं आती, आज वक्त का इमाम हमसे दूर नहीं हो जाता। इसलिए रिवायत ये कहती है, जब खुदा गज़बनाक होता है, जब खल्क़े खुदा पर खुदा का गज़ब नाज़िल होता है, जब खुदा गुस्से में आता है, जब खुदा का कहर नाज़िल होता है, तो खुदा मासूम को हमारे दरमियान से उठा लेता है। इस गैबत के ज़माने में यही वजह है। गैबत से पहले का दौर आप देखिए और ज़हूर के बाद का दौर देखिए, दोनों में बड़ा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इमाम सादिक कहते हैं गैबत के ज़माने में हालत ये होगी, और देख रहे हम, इमाम ने जो कहा है वो होकर रहता है, हम ये देख रहे हैं कि गैबत के ज़माने में, आजकल का आप दौर देख लीजिए, इमाम जो बयान करते उसको मुंतबिक कीजिए, उसको इम्प्लीमेंट करके देखिए, वही चीज़ जो इमाम ने कही वही आपको नज़र आएगी। इमाम फरमाते हैं गैबत के दौर में तुम देखना कि बच्चे बड़ों का एहतराम करना भूल जाएंगे, पर आप देख रहे हैं ज़रा सी कोई बात बड़ा बच्चे को कह दे, फौरन जवाब पलट कर आता है, ऐसा जवाब कि बड़ा शर्मिंदा हो जाता है। घरों में आप देख लीजिए, हत्ता के माँ बाप का एहतराम नहीं किया जा रहा, यह भी रिवायत में है, यानी माँ बाप की इज्जत को खफीफ शुमार किया जाएगा गैबत के ज़माने में, यानी लोग एहतराम करना भूल जाएंगे माँ बाप का। ये कौन बयान कर रहा है? ये छठे इमाम बयान कर रहे हैं, मासूम की हदीस बयान कर रहा हूँ मैं आपकी खिदमत में। कहते हैं कि वालिदैन को खफीफ शुमार किया जाएगा, इज्जत करना लोग भूल जाएंगे, छोटा बड़े की इज्जत नहीं करेगा, हालांकि होना चाहिए छोटा बड़े का एहतराम करें। उसके बाद कहते हैं कि हमसाया अपने दूसरे हमसाये के हक को नहीं पहचानेगा, जो कुछ भी उसके साथ नाइंसाफियां करता रहेगा उसको बिल्कुल हकीर समझेगा, यानी मैंने कुछ किया ही नहीं है, कुछ उसको बुरा नजर ही नहीं आएगा। यह गैबत का दौर है। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, दुआ कीजिए इमाम का ज़हूर वाक़िया हो, इमाम की रहमत मुकम्मल तौर से आपके ऊपर नाज़िल हो, इमाम अपनी रहमत को दिखाए, वो करिश्मा दिखाए जो खुदा ने रहमत अता की इमाम ज़माना। इमाम का जब ज़हूर होगा, ज़हूर का ज़माना वो होगा कि ज़हूर के ज़माने में हत्ता कि अगर कोई भाई अपने दूसरे भाई की जेब में से पैसे निकालना चाहेगा, कुछ लेना चाहेगा, तो भाई उसको रोकेगा नहीं बल्कि कहेगा जितने चाहते हो ले लो। ये ज़हूर के बाद का ज़माना है, रिवायत यही कहती है। आज आप ये करके देखिए,
सगा भाई अगर सगे भाई की जेब में से कुछ पैसे निकाल ले बगैर इजाजत, अलबत्त ठीक नहीं है, मैं मुजब्बर नहीं दे रहा हूँ कि ठीक है बगैर इजाजत निकाल ले, नहीं इजाजत देनी चाहिए, लेकिन अगर निकाल ले तो भाई उस पर नाराज हो जाएगा। लेकिन इमाम फरमाते हैं ज़हूर के बाद का दौर वो रहमत खुदा की जो इमाम ज़माना पर ज़हूर के बाद नाजिल होगी, जो इमाम उस रहमत को जाहिर करेंगे, इमाम के जरिए से रहमत जाहिर होगी, इमाम की बरकत का नतीजा होगा। एक भाई दूसरे भाई की जेब में से अगर पैसे निकालना चाहेगा तो भाई उसको रोकेगा नहीं, रहमत और रहमत इतनी बढ़ जाएगी, लोग मवासात करेंगे, मोहब्बत करेंगे एक दूसरे से, बराबर का तकसीम होगा। ऐसा नहीं होगा आका कौन है गुलाम कौन है, जो आका को मिलेगा वही गुलाम को दिया जाएगा, इंसाफ आम हो जाएगा, लोग मवासात करेंगे, हमदर्दी करेंगे एक दूसरे से, फकीर गनी हो जाएगा, फयस्तग़निल फकीर वला यहल बअदुहुम बअदन व यरहमुल कबीर अस्सगीर व युअक्किरु अस्सगीर वल कबीर, रिवायत कह रही है। यानी दौड़ ये हो गई रहमत वासिया इमाम ज़माना की, इमाम की बरकत से चीज़ें वादे होंगी, कहते हैं कि रहमत और उल्फत बढ़ जाएगी, लोग मुवासात करेंगे, बराबर तकसीम किया जाएगा, यानी फ़र्क नहीं होगा गुलाम और आका के अंदर, फ़कीर गनी हो जाएगा, यानी जो आज आप फ़कीर देख रहे हैं हर जगह 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 मांगने वाले आपको मिल जाते बेचारे गरीब और नादार अफराद, ईमान के ज़ुहूर के बाद का दौर ऐसा होगा कोई फ़कीर आपको मांगता हुआ नज़र नहीं आएगा। वो रहमत जो खुदा ने उसको अता की होगी, उस रहमत की बरकत ये होगी कि फ़कीर गनी हो जाएगा और बांट रहा होगा, ये बरकत है, ये रहमत वासिया है, और कोई एक दूसरे पर बर्तरी नहीं रखता होगा। आज पैसे वाला इंसान फ़कीर इंसान को जताता है, सीना तान के चलता है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास गाड़ी है बंगला है, मेरे पास जाओ हशम है, एक इज्जत वक़ार है मेरा। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी ज़ुहूर के बाद का जो दौर होगा इमाम ज़माने की बरकत के ज़रिए से बड़ा छोटा नज़र नहीं आएगा, सब बराबर नज़र आएंगे, छोटा बड़े का एहतराम करेगा, छोटे बड़ों की इज्जत करते हुए नज़र आएंगे। इमाम ज़माने के ज़ुहूर के बाद का दौर है, तवज्जो कीजिए आप, आजकल के दौर में कितने फ़कीर हैं। ये जो खुम्स और ज़कात निकाला जाता है इसका फ़लसफ़ा क्या है, रिवायत से जो मिलता है इस फ़लसफ़ा इसका यह है गरीब और नादारों की मदद और हेल्प मिले उन्हें, कोई गरीब बाकी ना रहे, गुरबत का खात्मा हो जाए, ये फ़लसफ़ा है खुम्स और ज़कात का, इसके ज़रिए से गरीबों की मदद होती है। तो अज़ीज़ाने गिरामी आजकल का दौर है, लेकिन ज़ुहूर के बाद का जो दौर होगा वो अजीब व गरीब दौर होगा, लोग अपनी ज़कात और खुम्स को लेकर घूम रहे होंगे कि कोई लेने वाला मिल जाए, कोई लेने वाला नज़र नहीं आएगा ज़ुहूर के बाद, ऐसा दौर होगा। तो ये सब किसकी वजह से होगा, ज़मीन खजाने उगलेगी, ज़मीन सोना उगलेगी, नबातात ज़ाहिर होंगे, यानी तमाम नेमात खुदा ज़मीन से ज़ाहिर करेगा, किसके वसीले से, इमाम मासूम के वसीले से। अज़ीज़ा ने गिरामी रहमत वासिया को समझने की कोशिश कीजिए, इमाम ज़माना की ज़ात रहमत वासिया। तो ये ज़ुहूर के बाद का दौर होगा, दरिंदे जानवर, अगर आज शेर के सामने बकरी को छोड़ दिया जाए क्या होगा, चीर फाड़ के रख देगा उसको, ख़त्म कर देगा, खा जाएगा। लेकिन रिवायत के जुमले ये हैं, दरिंदे जो जानवर हैं और उसके साथ बकरी और भेड़ पानी पी रहे होंगे, दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचा रहे होंगे, खौफ नहीं होगा, ये इमाम ज़माना की रहमत के करिश्मे हैं। ज़ुहूर के बाद ये होगा। अज़ीज़ाने गिरामी बस एक वाक़िया आपकी खिदमत अर्ज करूँ और आपकी ज़हमत तमाम करूँ ताकि अंदाज़ा हो कि इमाम वक्त की रहमत का मकाम क्या है, इमाम की रहमत किस मकाम पर है। आजकल के दौर में भी इमाम को कि गायब है लेकिन रहमत ज़ाहिर कर रहे हैं, वो रहमत के ज़ुहूर के बाद नज़र आएगी वो अलग है, लेकिन आजकल के दौर में भी इमाम लोगों की मदद कर रहे हैं, मेहरबानी कर रहे हैं, उनके काम आ रहे हैं। एक शख्स है, एक दुरुद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक शख्स है मशहद से चला, उसका काम है ड्राइविंग करना, पेशा उसका ड्राइविंग, ट्रक का ड्राइवर है। मशहद से निकला अपने काम के लिए, किसी शहर जाना था उसको दूर, 100 किलोमीटर का फासला था,
इसके पहुंचने में। शदीद बर्फबारी, ईरान की बर्फबारी मारूफ है, बहुत मशहूर है, और खुसूसन मशहद में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। उस आलम में निकला, काम था बहरहाल काम के लिए निकला। रास्ते में इसने क्या देखा, बर्फबारी इतनी शदीद हुई, इतनी शदीद हुई कि अब इसकी गाड़ी काम नहीं कर रही, गाड़ी ख़राब, गाड़ी रुक गई। बर्फ़ आ रही है इसके शीशे पर, वाइपर मार रहा है, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, गाड़ी भी ख़राब बंद हो गई। इसने साइड में अपने ट्रक को लगाया, अब परेशान, सर्दी का आलम है, गाड़ी का हीटर भी काम नहीं कर रहा, इतनी शदीद बर्फबारी में हीटर कहाँ काम करता गाड़ी का, बहरहाल परेशान है। ऐसा मोड़ इसकी ज़िंदगी में आ गया उस वक्त, अब ये देख रहा है मैं मरने वाला, अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। भारत परेशान बैठा रहा, गाड़ी के अंदर उतरा, गाड़ी को चेक किया, खुद मैकेनिक था, बेहतरीन मैकेनिक था, काम जानता था गाड़ी का, बहुत कोशिश की, तमाम चीज़ें चेक की, लेकिन सब चीज़ें साली में ठीक है बिल्कुल, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा, और बर्फबारी का शदीद आलम। बहरहाल ये वक्त गुजारता रहा, वक्त गुजारता रहा, अब गाड़ी में आए तो सर्दी लगे, बाहर आए तो सर्दी लगे, यानी दोनों जगह मौत इसको सामने नज़र आ रही है। अब इसके सामने इसके बच्चों का चेहरा आ रहा है, इसकी बीवी का चेहरा आ रहा है, परेशान है, बस ये आखिरी वक्त है। अब ये वक्त गुजारता रहा, गुजारता रहा, इसके जहन में अचानक आया, एक मजलिस में मौजूद था, वहाँ पर एक जाकिर ये बयान कर रहा था कि जब कभी भी मुश्किल तुम पर आ जाए तो तुम ये अल्फाज अपनी जबान से जारी करना, या साहिब ज़मान अदरकनी व अग़िथनी, ए मौला मेरी मदद को आइए, मेरी फरियाद को पहुंचिए, रहमत वासिया इमाम ज़माने की दा। अभी इसने एक कलमात अपनी जबान पर जारी किए और अपने दिल में इसने अहद किया, इसमें दर्स भी मौजूद है हमारे लिए, इमाम ज़माना आपसे क्या चाहते हैं, इसमें यह भी हमें वादे कर दिया, शख्स ने अहद किया अपने दिल में कि अगर खुदा ने मुझे नई ज़िंदगी दे दी, मरने वाला था, शदीद सर्दी का आलम, कहने लगा अगर खुदा ने मुझे ज़िंदगी दे दी तो मैं अव्वल वक्त में नमाज भी पढ़ूंगा, जो गुनाह अंजाम देता हूँ उनको मैं तर्क कर दूंगा, यानी गुनाहकारियाँ भी करता था, ये गुनाहगार था, ना नमाज पढ़ता था, ना कोई अच्छे काम करता था, एक ड्राइवर था। इसने दिल में अहद किया, परवरदिगार तूने मुझे अगर नई ज़िंदगी दे दी तो मैं अव्वल वक्त में नमाज भी पढ़ूँगा और तमाम गुनाहों को मैं तर्क कर दूंगा, छोड़ दूंगा। जैसे ही इसने ये अहद किया, दिल में अहद किया है, ज़रा देखिए इमाम मासूम का करिश्मा क्या है, इमाम हुज्जत का मकाम क्या है, कुर्बान जो इमाम की मेहरबानी के ऊपर, रहमत वासिया के ऊपर। कहता मैंने जैसे ये अल्फाज अपनी ज़बान पर जारी किए, यह अहद किया, बर्फबारी का आलम, कोई गाड़ी मुझे नज़र नहीं आ रही थी, सन्नाटा छाया हुआ था, मैंने क्या देखा, दूर से शख्स आता हुआ दिखाई दिया, हाथ में कुछ औजार हैं। अभी कहता मैं समझा कि कोई शायद मेरी तरह जिस उसकी गाड़ी ख़राब हो गई हो, मेरे पास हेल्प के लिए आ रहा होगा, मदद के लिए, मैं देख रहा हूँ गाड़ी के अंदर बैठा है। अब वो शख्स नज़दीक आया, उसने सलाम किया, सलाम अलैकुम। अब इसकी कैफियत ये थी, जवाब भी नहीं दे पाया। बहरहाल उसने पूछा क्या मुश्किल है, कहने लगा कि गाड़ी ख़राब हो गई है और रास्ता बड़ा ख़राब है, गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही है, बर्फबारी शदीद है, सर्दी भी बहुत लग रही है। कहा कि अच्छा, जब तुम्हें मैं कहूँ कि गाड़ी को स्टार्ट करो तो उस वक्त स्टार्ट करना, इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी। बहरहाल अब ये कहता है ड्राइवर, कहता मैं देख रहा हूँ कुछ भी नहीं किया उसने, मैंने तमाम कोशिश अंजाम दे दी थी, मैं खुद मैकेनिक था, बेहतरीन काम जानता था, कोई ख़राबी नहीं थी गाड़ी के अंदर, लेकिन ये शख्स गया, इसने कुछ हाथ लगाया, लम्हे भर में कहा कि स्टार्ट करो, गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी जैसे स्टार्ट हुई, परेशान, कहने लगा भाई तुमने कैसे स्टार्ट कर दी, मैं खुद मैकेनिक हूँ, मैं काम जानता हूँ, कोई ख़राबी भी नहीं थी, कैसे स्टार्ट हो गई। कहा कि उसको छोड़ो तुम। अब बहरहाल कहा कि चले जाओ। अब दिल में ख्याल आ रहा है, कहने लगा रास्ता बड़ा ख़राब है, शायद वक्ती तौर पर ठीक हो गई, दोबारा ठंडक लगी, इसको ठंडी होगी, गाड़ी बंद हो जाएगी, अभी 100 किलोमीटर तक मुझे जाना है। डरने लगा, आवाज़ दी गई आराम से जाओ, गाड़ी बंद नहीं होगी। अल्लाह हू अकबर। अब इसने जेब से पैसे निकाले,
पैसे निकाल के सामने रख दिए, भाई अपनी उजरत ले लो। कहा कि हमें इस उजरत की एहतियाज नहीं है, तुम्हारे काम आएंगे, रखो। कहने का अच्छा कुछ खिदमत का मौका दीजिए। कहा कि हमें खिदमत नहीं चाहिए। कहा कि बस एक काम करना। ड्राइवर ने कहा वो क्या काम? अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, हुज्जत खुदा किसे कहा जाता है? हुज्जत खुदा का मकाम क्या है? यहाँ से दर करने की कोशिश कीजिएगा, इमाम हई के वजूद को महसूस कीजिएगा यहाँ से जुमले से। कहा कि जो अहद तुमने दिल में बांधा है ना, कि अगर खुदा ने मुझे ज़िंदगी दे दी तो मैं नमाज भी अव्वल वक्त में अदा करूँगा और तमाम गुनाहों को तर्क कर दूँगा, छोड़ दूँगा, उस पर अमल करना यही हमारी उजरत है। अल्लाह अकबर। यानी इमाम उसे कहा जाता है कि जो दिल के हालात का मुताला कर लिया करता है, जो पढ़ लिया करता है आपके बातिन में क्या चल रहा है। इससे खुद एक दलील मिल जाती है, इमाम मासूम की निगाह के ऊपर है, जो काम करते इमाम जानता है, इमाम उसका इल्म रखता है। अब बहरहाल कहा कि जाओ, गाड़ी बंद नहीं होगी। इमाम ने मेहरबानी कर दी है। अब इसने अहद बांधा था, घर पहुंचा, बहुत गुनाहगार आदमी था, नमाज भी नहीं पढ़ता था। घर पहुंचा, अब अजीब कैफियत है। बीवी ने जब इसको देखा तो कैफियत अजीब नज़र आ रही है। कहने लगा कि आज के बाद मैं सारे गलत काम छोड़ दूंगा, सारे गुनाह छोड़ दूंगा, गुनाहों को तर्क कर दूंगा, और आज के बाद नमाज को मैं अव्वल वक्त में अदा करूंगा। और देखो तुम्हें भी अगर इस तरीके से मेरे साथ रहना है तो रहो, वरना तुम आज़ाद हो, चले जाओ अपने घर। इसकी बीवी ने कहा बिल्कुल जैसा तुम चाहते हो, आज के बाद इंशाल्लाह नमाज अव्वल वक्त में अदा करेंगे और कोई गुनाह नहीं करेंगे। तो अज़ानी गिरामी इसका मामूल यह रहता था, क्योंकि अहद किया था, अहद ही सबसे बड़ी चीज़ हुआ करता है। आजकल के दौर में तजदीद है अहद, अपने अहद को ताज़ा करना बड़ी चीज़ है। ये इमाम मासूम के साथ अहद को ताज़ा कीजिए। दुआए अहद में आप यही पढ़ते हैं, सुबह सुबह उठकर यही तो कहते हैं, ए परवरदिगार मैं अपने अहद को आज के दिन सुबह में ताज़ा कर रहा हूँ और इमाम वक्त की बैअत में बाकी रहूँगा, कोई खिलाफकारी अंजाम नहीं दूंगा। ये अहद करते हैं दुआए अहद के अंदर। बहरहाल इसका काम ड्राइविंग का पेशा था इसका। जब ये काम के लिए जाता था, जब तमाम लोग जमा होते थे, जैसे ही अजान होती थी ये फौरन तमाम काम छोड़कर नमाज पढ़ने मस्जिद चला जाया करता था। जब इसको लोग कहते थे भाई तुम्हारी कैफियत कैसे तब्दील हुई, कहने लगा अच्छा इसको बाद में तो उस वक्त तो एहसास नहीं हुआ, बाद में एहसास हुआ, जिसने मेरी मदद की थी ये वक्त का इमाम हो सकता है, जिस तरीके से मदद की थी। उन लोगों को जवाब जो उसने दिया, कहता है कि मेरे साथ मुश्किल पेश आई थी, मैं इस तरीके से फंस गया था, बर्फबारी में मेरी गाड़ी बंद हो गई थी, एक शख्स आया, उसने मेरी मदद की, मैंने दिल में अहद किया था, उसने वही बात दोहराई कि जो अहद तुमने दिल में किया है उस अहद पर पाबंद रहना, उस पर अमल करना। तो ये मैं उसी वजह से अंजाम दे रहा हूँ, मैंने क्योंकि अपने वक्त के इमाम के साथ अहद किया था, अब इस अहद को मैं छोड़ नहीं सकता। अज़ादारी रहमत वासिया इमाम ज़माने की, इमाम हर किसी के काम आते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि जो इमाम का चाहने वाला हो, जो इमाम से मोहब्बत रखने वाला हो, जो इमाम की उल्फत को अपने दिल में रखता है, उनके जद के गम को मनाने के लिए जमा होते हैं, जब वो इमाम को पुकारेंगे तो कैसे मुमकिन नहीं है कि इमाम आपकी मदद को मनाए। अज़ादारों, आज मेरा जी चाह रहा है, क्योंकि मर्सी में जो पढ़े गए, जो सलाम पेश किए गए, मैं सोच कर कुछ और आया था, लेकिन आज थोड़ा तस्करा जनाब सकीना का और करना चाहता हूँ। ये वो मुसीबत है इस बच्ची की, मेरे वक्त के इमाम ने ज़ियारत नाहिया में जुमले को इरशाद फरमाया, मेरा सलाम हूँ रुखसारों के ऊपर जो करबला से कूफा, कूफा से शाम तक दिन रुखसारों के रंगत मुसलसल तब्दील होती रही। ये वक्त का इमाम कह रहा है, इमाम ज़माने को बड़ा गम है सकीना के मुंह पर तमाचे लगने का। अज़ादारों, बड़ी अजीब बच्ची है, 4 साल की उम्र है, जो जुल्म इसने बच्ची ने सहे हैं अपनी उम्र से बढ़कर जुल्म सहे हैं। छोटा सा चेहरा हो, ज़रा तसव्वुर कीजिए, 4 साल का बच्चा घर में अगर मौजूद हो, उसके अगर कोई तमाचा लगा दे, बड़ा हाथ हो, छोटा चेहरा हो, जब तमाचा लगेगा बच्चे का क्या हाल होता होगा। यही सकीना है, तमाचे खाती रही है,
और ये उस शिमर मलहून के तमाचे खाती रही है जिस शिमर ने हुसैन की गर्दन को तन से जुदा किया था। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। इस बच्ची ने बड़े जुल्म देखे हैं दादा, बड़े जुल्म देखे हैं। एक जुल्म उस वक्त देखा बड़ा मुश्किल था बच्ची के ऊपर जब इस बच्ची का बाबा रुख्सत लेने ख्याम में आया था। रुख्सत जब लेने आया एक मरतबा मौला हुसैन जब दुलजने पर सवार हुआ था दारो, एक मरतबा दुलजने को एड़ लगाना चाहता है, ए दुलजना चल, लेकिन दुलजना चलने का नाम नहीं लेता है। मेरा मौला हुसैन कहता है ए अस्मे बावफा, क्या तूने भी हुसैन का साथ छोड़ दिया? तू भी मेरा साथ छोड़ रहा है, तू चलता क्यों नहीं है? अदादारो मक्तल कहता है जुलजने ने एक मर्तबा इमाम को देखा, एक मर्तबा नीचे देखा, गोया ज़बाने हाल से बेज़बानी में कहना चाहता है ऐ मौला जरा नीचे जरा देखिए। एक मर्तबा मौला ने जब नीचे देखा तो क्या देखा, 4 साल बच्ची है जुलजना के कदमों से लिपटी हुई, ये कहती है ऐ मेरे बाबा के जुलजना, मेरे बाबा को मक्तल में ना लेकर जा, जो मक्तल गया है वो पलट के वापस नहीं आया। अजरुकुम अल्लाह, अज़ादारो इस बच्ची पर बड़े जुल्म हुए हैं। अब मेरा मौला हुसैन दुलजने से नीचे आया, करबला की तपती रेत पर मौला मेरा लेटा, बच्ची को सीने पर सुलाया है। मैं कहूंगा सकीना ये आखिरी सोना है, ठीक तरीके से अपने बाबा के सीने पर सो जाओ, अब ये सीने नसीब नहीं होगा। अजरुकुम अल्लाह, मेरा मौला हुसैन आया नीचे जमीन पर, तपती जमीन पर मौला हुसैन लेटे हैं। अदादर जी खोल कर क्रिया कीजिएगा, मौला इमाम जमान फिर बच्ची का पुर्सा देना है। मौला ने अपने सीने पर लिटाया, सर पर हाथ रखा, गोशवारे पहना है। मैं मौला से कहूंगा मौला अभी आप सर पे हाथ भी फेर रहे हैं, गोशवारे भी पहना रहे हैं, लेकिन मौला जब शाम गरीबा होगी यही रुखसार होंगे शिमर के तमाचे, गोशवारे छीने जाएंगे, उतारे नहीं जाएंगे छीने जाएंगे। अदादारो छीनने में उतारने में बड़ा फर्क होता है, उतारे जब जाते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता, जब छीने जाते हैं कानों की लो फट जाती है। मुझे नहीं मालूम जब शिमर मलहून ने ये गोशवारे छीने होंगे बच्ची का क्या। अजरुकुम अल्लाह, अज़ादारो बड़े जुल्म इस बच्ची ने देखे हैं। अज़ादारो शाम में गरीबा का जरा जुल्म देखी है, जब खैमों को आग लग गई है तमाम बीबियां परेशान हाथ, कभी एक खैमे से दूसरे खैमे में जाती है, दूसरे खैमे से तीसरे खैमे में जाती है। जब बच्चों ने यह देखा बच्चे परेशान हो गए, मक्तल में बिखर गए, सहरा में बिखर गए। इसी असना में एक 4 साल बच्ची है हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है मैंने देखा शामे गरीबा में, मैंने क्या देखा, एक छोटी सी बच्ची है उसके दामन में आग लगी हुई है। मैं नजदीक गया अभी दामन की आग को बुझाना चाहता था, बच्ची ने कहा ऐ शेख मेरे नजदीक ना आना, मैं आले मोहम्मद में से हूँ, देखो मुझे हाथ मत लगाना। हमीद कहता है ऐ बच्ची मैं तुझ पर एहसान करना चाहता हूँ। बच्ची कहती है ऐ शेख अगर एहसान ही करना चाहता है तो मुझे नजफ का रास्ता बता दे, नजफ किस रास्ते से जाया जाता है। अजरुकुम अल्लाह, 2-3 जुमले अदादारो रहमत तमाम, इमाम जमान को पुरसा देना है 4 साल बच्ची का। अदादारो बच्ची कहती है अगर एहसान ही करना चाहता है तो मुझे नजफ का रास्ता बता दे। हमीद ने कहा ए बच्ची नजफ में कौन रहता है, नजफ जाकर क्या करोगी? बच्ची कहती है नजफ में मेरा दादा अली रहता है, मैं दादा के पास जाऊंगी और शिकायत करूंगी ऐ दादा अली शिमर ने बहुत तमाचे लगाए, ऐ दादा अली शिमर ने गोशवारे छीने। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो ये बच्ची जिंदा ने शाम तक जो जुल्म सहती रही है,
बच्ची का आलम यह हो गया था, जब जिंदान में पहुंची है तो खून इस बच्ची के जिस्म से जारी था, बच्ची लहू लहान थी, कुर्ता खून आलूद हो चुका था। अज़ादारों यहां पर मेरा जी जा रहा है, तीन हस्तियों का मैं जिक्र करूं, ऐसी हस्तियां तारीख के अंदर कि जिनको गुस्ल देते हुए बड़ी बड़ी हस्तियां रोती हुई नजर आई है। अज़ादारों एक जनाजा जनाबे सैयदा का है, एक मर्तबा जब सैयदा आलम को जनाबे फातिमा को मेरा मौला अली गुस्ल देने गया, एक मर्तबा चीख मार के मौला मेरा रोया, मौला से पूछा गया, मौला अभी आप हमें सब्र की तलखीन कर रहे थे लेकिन आज क्या माजरा हुआ, आपने चीख मारी, मेरा मौला कहता है मैंने फातिमा का वो जख्म देखा, पहलू पर वो जख्म था, फातिमा ने मुझे कभी नहीं बताया। अदादर दूसरा जनाजा जो गुस्ल देने वाला रोता हुआ नजर आया, वो किसका जनाजा था, वो सैयद सज्जाद मेरे चौथे इमाम का। एक मर्तबा पांचवे इमाम जब गुस्ल देने के लिए अपने बाबा को अंदर गए हैं, एक मर्तबा चीख मार के रोते हैं, इमाम से जब पूछा मौला आपने चीख क्यों मारी थी, आपने गिरिया क्यों किया था, मेरा पांचवा इमाम कहता है मेरे बाबा की कमर पर दुर्रों के निशान थे, इस वजह से मैं रोया। अदादर आखिरी जो जनाजा है वो सुनेंगे किसका जनाजा है, वो चार साल सकीना का जनाजा है, जब गद्दाला सकीना को मुस देने गई है, एक मर्तबा बाहर आ गई है और ये कहती है, ये सवाल करती है, इस बच्ची को क्या कोई बीमारी थी, कहा कि कोई बीमारी नहीं थी, कहती इसके जिस्म से कुर्ता फट नहीं रहा है, इतने जख्म बदन पर मौजूद। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों बताया गया ये बीमारी की वजह से नहीं है, ये वो जख्म है कि जो करबला से कूफा, कूफा से शाह, जो शिमर ने मजालिम ढाए हैं, जिस रस्सी से बच्ची को बांधा गया था, ये तो रस्सी के निशान। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों ये कारवां जब शाम पहुंचा है, शाम में बड़ी मुसीबतें ढाई हैं, आले मोहम्मद के बाद अदारो दो तीन जुमले बयान करूंगा दहमत तमाम। अदादारो मेरा मौला सज्जाद खुद बयान करता है, कहता है शाम में जो मुसीबतें हम पर ढाई गई हैं वो कहीं पर भी नहीं ढाई गई, ना करबला में मौला ने ना करबला का नाम लिया, ना कूफा का नाम लिया। मौला ने कहा अबू मंजर मदाइनी को मौला बयान कर रहे हैं, रावी अबू मंजर मदाइनी है, कहता मौला शाम में यहाँ पर कौन सी मुसीबतें ढाई गई, मेरा मौला कहता है शाम में ऐसी मुसीबतें हम पर आई, ऐसी मुसीबतें कहीं पर भी हम पर ना ढाई गई। अब मौला बयान करते हैं शाम में मुसीबत तो ये आई है, जब हम मुल्के शाम में पहुंचे हैं हमें इस तरीके से हकाया जा रहा था जैसे गुलामों को ले जाया जाता है, तलवारों की अनियों से हमें मारा जाता था, हमें उस जगह ले जाकर खड़ा कर दिया गया जहां गुलामों को बेचा जाता था। अजरकुम अल्लाह। कहा कि मौला कौन सी मुसीबत आई मुल्के शाम में, मौला कहते हैं मुल्के शाम में एक मुसीबत ऐसी आई है जो कहीं पर भी हम पर ना आई। कहते मौला कौन सी मुसीबत, मौला सज्जाद कहते हैं जब मुल्के शाम में हमें घरों के सामने से गुजारा जा रहा था, ये तमाम लोग कहते थे ये बागी है, इनका इस्लाम में कोई किरदार नहीं है, इनसे बदला लेना चाहते हो तो ले लो, कोई हमें पत्थर मारता था, कोई कुछ मारता था। आखिरी जुमला अज़ादारो का मौला कौन सी मुसीबत आई है, मौला सज्जाद कहते हैं मुल्के शाम में एक मुसीबत हम पर वो आई, ऐसी मुसीबत कहीं पर भी ना आई। मौला कहते हैं जब हमें घरों के सामने से गुजारा जा रहा था, तमाम खवातीन अपने घरों की छतों पर मौजूद थी, तमाशा देख रही थी, एक मर्तबा वो मौका आया, तमाम खवातीन ने आग फेंकना शुरू किया, गर्म पानी फेंकती थी। मौला सज्जाद कहते हैं अदादर आखिरी जुमला, मौला सज्जाद कहते हैं एक मर्तबा एक खातून ने अपने घर की छत पे जब आग को फेंका, एक अंगारा मेरे सर पर आकर गिरा, मेरे हाथ पते गर्दन बंधे हुए थे, मेरा संचय
तरीके से इस हाथ को हटाता मेरे भाई।